तो ये देखो एक साइड का मतलब मैक्सिमम बन गया है। मैं अपने ही बाइक को थोड़ा मॉडिफाई करने वाला हूँ। तो भाई जिस मॉडिफिकेशन की मैं बात कर रहा हूँ तो वो है रिम कवर्स जो लगे होते हैं ना बाइक्स में। तो देखते हैं क्या सीन रहता है। अभी मेजरमेंट लगी है, अभी शीट लेके आ गए हम लोग गगन भाई की शॉप पे। एक साइड का व्हील कवर इससे निकलेगा। सब्सक्राइबर्स आ गए। हेलो हेलो हेलो। देख हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई अनदर ब्लॉग। माई नेम इज़ भीमू एंड यू आर वॉचिंग भीमू ब्लॉग्स। सो गाइज, कैसी अपनी YouTube फैमिली, आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो अभी मैं घर से निकल चुका हूँ एक छोटी सी एंड प्यारी सी राइड पे, एंड मुझे थोड़ा सा काम भी है मार्केट में, तो वो भी करेंगे। तो गाइज, ब्लॉग स्टार्ट करने के लिए मैं यहाँ पे रुका था। तो भाई लोग चेकआउट करो, पीछे लगा अपना बीस्ट। एंड आज अपने बीस्ट को दो तीन दिनों के बाद चला रहा हूँ, तो उसका रीज़न भी बता दूंगा कि क्या रीज़न है। तो अभी अपनी बाइक थोड़ी गंदी भी है तो इसको भी देखूंगा वॉश करूंगा कि नहीं। बट मेन जो है चेन भी अपनी लूज़ हो चुकी है। तो दो तीन दिनों के बाद आज राइड पे निकला हूँ एंड बाइक भी दो तीन दिनों के बाद चला रहा हूँ। तो इसका रीज़न आप लोगों को प्रीवियस व्लॉग में पता लग गया होगा। तो यार यहाँ से मैं एक बार आपको व्यू चेकआउट करवा लेता हूँ। ये चेकआउट करो आप लोग। तो गाइज, ये रहा अपने सामने पंडो डैम। तो आजकल पानी कम होता है, बाकी जिन लोगों ने पंडो डैम का एकदम भयंकर रूप देखना है तो मेरे प्रीवियस ब्लॉग्स चेक कर लेना, उसमें मैंने डिटेल में बताया पंडो डैम के बारे में। तो भाई उन दिनों में तो पांचों गेट छूटे होते हैं एंड पानी बहुत ज़्यादा होता है, कुछ ये व्यू रहता है। आजकल तो पानी एकदम अच्छा होता है। सो चलो चलते हैं, मैंने सोचा आप लोगों को दिखा दूँ। बिकॉज अभी अपनी जो यूट्यूब फैमिली है ना वो थोड़ी बड़ी हो चुकी है। उस टाइम तो यार बहुत हो गया, उस टाइम मतलब आज के मुकाबले में थोड़ी छोटी YouTube फैमिली थी अपनी। तो मैं आप लोगों को रीज़न बता रहा था कि आज मैं दो तीन दिनों के बाद राइड कर रहा हूँ। प्रीवियस व्लॉग अगर आप लोगों ने देखा है तो आप लोगों को पता ही होगा कि मैं शिमला गया था एंड शिमला से मैं वापस आ चुका हूँ। 26 को मैं गया था एंड 29 को मैं वापस पहुँचा हूँ। मार्केट जाने का रीज़न ये है कि अभी अपने माइंड में एक प्लान बन रहा है कि मैं अपनी बाइक को थोड़ा मॉडिफाई करने वाला हूँ। एक मॉडिफिकेशन है जो मेरे को बहुत अच्छी लगती है, तो उसके बारे में अभी प्लानिंग कर रहा हूँ। बाकी थोड़ा बहुत पता करेंगे उसके बारे में, अगर बजट में हो जाती है तो मैं कर दूँगा, बिकॉज अभी थोड़ा बजट कम है। तो अगर बजट में नहीं भी होगी तो थोड़ा लेट करेंगे, बट उसको कर ही लेंगे क्योंकि उससे एकदम सही लुक हो जाती है बाइक की यार। तो अभी उसमें जो जो चीज़ें लगेगी ना उसके बारे में थोड़ा पता कर लेता हूँ मार्केट में एंड छोटी सी राइड करेंगे। यही होगा आज के व्लॉग में। भाई लोग यहाँ से व्यू चेकआउट करो आप लोग, ये देखो एकदम शांत है आजकल। बरसात के दिनों में दिखाऊंगा मैं आप लोगों को भाई पंडो डैम का एकदम रौद्र रूप। तो यहाँ पे थोड़ी सी मतलब वाटर क्रॉसिंग है तो पानी में डालते हैं बाइक को। ओ भाई, तो गाइज अभी मैं पहुंच गया NH पे। सो अभी आप लोग राइड को थोड़ा एंजॉय करो एंड मैं भी एंजॉय कर लेता हूं थोड़ा। तो गाइज कमेंट करके बताओ कैसा लग रहा है आपको व्लॉग एंड भाई व्यू चेक आउट करो आप लोग, एकदम तबाही वाला व्यू है यहाँ पे। लग्जरी गाड़ियाँ देखो गाइज कितनी मतलब डाउन होती है, बहुत ही ज्यादा डाउन। तो यार गाइस चेन जो है क्लीनिंग मांग रही है, तो जो गियर्स है ना वो बहुत ही रफली चेंज हो रहे हैं। सो चेन भी शायद आज मैं क्लीन करवाऊं, बिकॉज आज बहुत दिनों के बाद बाइक मेंटेनेंस मांग रही है तो कर लेंगे। और बाइक में फ्यूल भी बहुत कम है, बहुत ही ज़्यादा कम है। होली वाले ब्लॉग में देखो गगन भाई थे तो उनके पास भी हमें थोड़ा सा काम है तो यहाँ भी आएँगे। अभी तो वो यहाँ पर है नहीं, मैंने उनको कॉल की थी। तो बाइक में फ्यूल अप करके आते हैं एंड चेन क्लीन भी करके ही आते हैं, देखते हैं क्या सीन रहता है। आप लोग व्लॉग में बने रहो जस्ट।
क्रेजी सीन गाइस। भाई कहाँ आ रहे हो? तो गाइस फ्यूल अप तो अभी हो गया एंड अब बाइक को वॉश करते हैं एंड चेन क्लीन करते हैं बाइक की। हेलो हेलो, तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं यार कि बाइक क्लीन होगी या नहीं। ओ भाई भाई भाई, कहाँ लगा दी मैंने। तो भाई लोग चेक करो, अभी अपनी बाइक भी क्लीन होगी एंड चेन भी, तो आप लोग देख सकते हो यार एकदम नई होगी। तो मैंने चेन को ल्यूब भी कर दिया, देखो यार भाई अब मज़ा आएगा ना इसको राइड करने का। तो यार चेन भी लूज थी अपनी बाइक की, तो एक टेस्ट राइड मार के आते हैं। अब सही है गाइस। एकदम स्मूथ वाली फीलिंग गाइस। भाई लोग नो डाउट बाइक केयर मांगती है, बट भाई जब इसकी चेन क्लीन होती है ना एंड ल्यूब होती है तो बहुत मज़ा आता है इसको राइड करने का। गियर जो एकदम स्मूथली चेंज होते हैं। तो यार अभी मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि चेन ज़्यादा टाइट हो गई है, तो मैं चेक कर लेता हूँ एक बार, बिकॉज़ कुछ काम करने के बाद एक डाउट रहता है ना। नहीं यार ठीक है, वैसे तो भाई चेन देखो एकदम नई हो गई है। गाइज अभी चलते हैं गगन भाई की शॉप पे, तो वहाँ पे मुझे थोड़ा काम है तो वो कर लेते हैं। काम तो क्या है, मैंने जस्ट उनसे कुछ पूछना है। तो आप लोगों को मैं बता रहा था कि मैं कुछ मॉडिफिकेशन सोच रहा हूँ बाइक पे, तो गाइज मॉडिफिकेशन से रिलेटेड कुछ पूछना है, तो देखते हैं अगर वो वहाँ पे हो। यार अभी तो उनकी शॉप क्लोज है, तो आई थिंक उनको कॉल करनी पड़ेगी, तो कॉल कर लेता हूँ मैं उनको यहाँ से। सो गाइस अभी मैं यहाँ पे कॉल कर रहा था गगन भाई को, तो अपने दो सब्सक्राइबर्स आ गए। हेलो हेलो हेलो, देखते हो मेरे ब्लॉग्स? yes, अच्छा थैंक यू सो मच। हाँ भाई ऐसे ही सपोर्ट करते रहो। एग्ज़ाम हो गए? yes, कल तो रिजल्ट है। yes, अच्छा पेपर कैसे गए हैं? चलो बढ़िया, बेस्ट ऑफ लक रिजल्ट के लिए। अच्छा आप कहाँ से हो? यहीं से हो? चलो अच्छी बात है, ठीक है बस ऐसे ही देखते रहो व्लॉग। और स्टडी भी करनी है ना? स्टडी पहले, मेनली स्टडी, उसके बाद व्लॉग्स वगैरह। अच्छा थैंक यू, बस स्टडी करनी है पहले है ना, उसके बाद देखने व्लॉग्स वगैरह जब फ्री होते हो तब। ठीक है अच्छा लगा मिलके। हाँ जाओ अच्छे से जाओ है ना, ठीक है। गाड़ी देख लो, गाड़ी आराम से जाओ, आराम से रुको 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 जाओ अब। तो यार भाई बाय बाय, मतलब एक्सप्लेन करने को नहीं है कुछ, बहुत अच्छा फील हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा। तो अभी गगन भाई को कॉल कर लेता हूँ यार। तो भाई अगर व्लॉग देख रहे हो, थैंक यू मेरे व्लॉग्स देखने के लिए एंड चैनल सब्सक्राइब करने के लिए। तो बस ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखो, और हाँ स्टडी पे पहले ध्यान दो, उसके बाद अपने व्लॉग्स भी देखो। आ जाओ। तो भाई जिस मॉडिफिकेशन की मैं बात कर रहा हूँ, तो वो है रिम कवर्स जो लगे होते हैं ना बाइक्स में, तो उसके बारे में सोच रहा हूँ मैं अभी। अगर मेरे बजट में वो मॉडिफिकेशन हो जाती है तो मैं करवा दूँगा, अदरवाइज़ थोड़ा लेट करेंगे। तो अभी मैं जस्ट पूछने आया हूँ एंड पर पूछेंगे भी कि किस शीट का बनता है वो। गगन भाई आएंगे एंड उनसे पूछेंगे क्या सीन रहता है उसका। वो भी आ गया है तो आप लोग देख सकते हो। तो अभी चलते हैं शीट का पता करते हैं, अब मिलते हैं आपसे शॉप पर सीधा। तो भाई लोग शीट तो हमें मिली नहीं, बट कुछ जुगाड़ है यहाँ पे, तो देखते हैं क्या सीन रहता है। अभी मेजरमेंट लगी है, अभी शीट लेके आ गए हम लोग गगन भाई की शॉप पे। तो ये शीट लाए हैं भैया, बताना एक मिनट। तो ये शीट है देखो आप लोग,
हमारी बाइक का जो रिम का साइज है वो 17 इंचीज है, तो भाई ने यहाँ पे देखो मार्क लगा लिया है, मतलब ऐसे पैनल हम लोग दो निकालेंगे। तो अभी आप लोग बने रहो, मैं प्रोसेस बताऊंगा आपको। तो गगन भाई उसका काम कर रहे हैं, तो मैं गगन भाई से मिलाता हूँ आपको। तो ये रहे गगन भाई, तो इनकी भी यहाँ पे शॉप है, जो गाड़ियों में म्यूजिक सिस्टम लगता है ना, तो उससे रिलेटेड सारा काम हो जाता है यहाँ पे। बाकी मेरे को लगता है कि आज पूरी मॉडिफिकेशन नहीं हो पाएगी, क्योंकि इसके लिए टायर भी खोलना पड़ता है एंड पेंट वगैरह सब कुछ होता है। जितना भी होता है वो मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो ये देख सकते हो आप लोग, एक साइड का व्हील कवर इससे निकलेगा एंड एक साइड का हम लोग उससे निकालेंगे। तो ये देख सकते हो गाइस आप लोग, पूरा 17 इंच का काटा है हमने, ये जो पूरा सर्कल है इसका। तो ये देखो एक साइड का मतलब मैक्सिमम बन गया है। अब इसमें फिनिशिंग टच देनी है थोड़ी थोड़ी। आज का काम हम लोग यहीं पे क्लोज कर रहे हैं, क्योंकि अभी अंधेरा हो गया बाहर, आप देख सकते हो। तो एक साइड का तो बन गया है, अभी चलते हैं घर। यार आज लेट हो गया बहुत ज़्यादा। तो अभी इस व्लॉग को कर देते हैं यहीं पे एंड। अगर आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगा तो व्लॉग को करो लाइक कमेंट शेयर। तो मिलते हैं एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर गाइस।